दोस्तों इस चैनल की सारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मिले नोटिस वीडियो आप लोगों के पास देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरे पास एक है डिस्क कवर, ठीक है, बजाज कंपनी का डिस्क कवर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं दिखाऊंगा, और चलिए क्या करते हैं एक बार चाबी को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। चाबी को ऑन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ऑन कर दिया हमने, देखो रेफरेंस जो न्यूट्रल लाइट और बैटरी का सिंबल जो दिखा रहा है वो कैसे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, कैसे ब्लिंक कर रहा है, देखिए। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, हॉर्न को लगाता हूँ, जैसे कि देखो डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा गाड़ी है वो अभी स्टॉप है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। देखिए फ्रेंड्स क्या दिक्कत आ रहा है गाड़ी में, आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जो न्यूट्रल लाइट है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्सलेटर को छोड़ देता हूँ। चलिए बंद हो गया, होने के बाद फिर क्या हो रहा, फिर दोबारा ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स क्या करता हूँ मैं, देखते रहिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही यूनिक सा प्रॉब्लम आया हुआ है। मैं हेडलाइट को देता हूँ, देख पा रहे हो, जब मैं हेडलाइट को दिया हूँ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लिंक करने लग रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि इंडिकेटर जो जलता है ना उसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए मैं सामने से एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, समझ लग रहा है ना फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है हेडलाइट भी। अब स्टार्ट करके देखते हैं हेडलाइट भी ब्लिंक करता है या नहीं, बैटरी तो सेल्फ नहीं ले रहा है। चलिए आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, एक तरीके से प्रॉब्लम और एक आया था मेरे पास, तो उसको मैंने शॉर्ट आउट कर दिया था, पर ये भी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो जब मैं एक्सलेटर दे रहा हूँ देख पा रहे हो क्या हो रहा है हल्का सा, ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लश कर लेता हूँ, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मतलब हल्का हो रहा है, ठीक है, रोशनी ज्यादा है उस वजह से समझ नहीं लग रहा है। चलिए आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से दिक्कत कर रहा है ये हम देखने वाले हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, इंडिकेटर को देते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो इंडिकेटर देते ही ठीक हो गया। देखिए फ्रेंड्स जब मैं इंडिकेटर को लगाया हूँ, देख पा रहे हो राइट हैंड का इंडिकेटर जल रहा है हमारा, ठीक है, इंडिकेटर देते ही मतलब ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए अब लाइट का देता हूँ, लेफ्ट राइट का, तो इस साइड क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जल ही नहीं रहा, पर से ब्लिंक करना शुरू हो गया, अभी देख पा रहे हो जैसे कि सही है। अभी देता हूँ इस साइड का, ये तो सही हो गया, अब इस साइड का देता हूँ एक बार, ब्लिंक करने लग रहा है इस साइड का, ठीक है। जब मैं राइट का दे रहा हूँ तो सही हो रहा है, और जब मैं लेफ्ट का दे रहा हूँ तो इंडिकेटर नहीं जल रहा है और ऊपर से ब्लिंक करना शुरू हो गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। चलिए बंद कर देते इंडिकेटर को, बंद कर दिया, ऊपर से हमारा जो इंडिकेटर जो हेडलाइट है वो भी सही हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी वाला पैनल खोलेंगे हम, ठीक है, बैटरी वाला पैनल खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे कोई तो परेशानी नहीं है, तो क्या हो रहा है इंडिकेटर जब देते ही ठीक हो गया, फिर क्या हो रहा है हेडलाइट हमारा जो ब्लिंक कर रहा है हमको वो चेक करना है। तो कैसे, अरे इंडिकेटर का फ्लैशर काफी गर्म है फ्रेंड्स, इंडिकेटर का जो फ्लैशर है ना ये काफी गर्म हो रखा है। चलिए इस साइड से कहीं से प्रॉब्लम है, चलिए क्या करते हैं पहले सीट को भी खोलते हैं, और इंडिकेटर का भी जो फ्लैशर होता है ना फ्रेंड्स ये भी काफी गर्म हो रखा है, इसको भी हमको चेक करना है। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया था, मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ है, कहीं से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से है, ठीक है। चलिए इसको हमको निकालना है, सॉल्व कहाँ से किया जा सके देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स जब मैंने सीट को खोला क्या निकला, देखिए चूहा, चूहा का बच्चा कितना कुछ है। इधर देख, इधर देख, दो चूहे के बच्चा निकला है फ्रेंड्स, दो कहाँ, दो है, कैसे निकाले इसको देखिए फ्रेंड्स, ये रहा। चलिए इसको हटाते हैं पहले, उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ से कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये क्या करे, छी छी। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा आप लोगों ने यहाँ पर एक चूहा था, दो बच्चे चूहा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम था यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये जो तार है ना सब कुछ तार जो है इंडिकेटर का चूहे ने काट के मतलब
खराब कर दिया, ठीक है, उस वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था, ठीक है। और दोस्तों ये जो है फ्लैशर भी काफी गर्म हो रहा था। और दोस्तों चलिए एक बार इसका फ्यूज बॉक्स देखते हैं, फ्यूज बॉक्स को कैसे लगाया हुआ है। तो अगर फ्यूज बॉक्स सही से लगा होता तो फ्यूज भी इसका काट जाता। चलिए मैं खोल लेता हूं एक बार। चलिए फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो डायरेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस वजह से इसका प्रॉब्लम जो था यहीं से क्रिएट कर रहा था। तो पहला प्रॉब्लम जो था यहाँ से चूहे ने काट दिया, डायरेक्ट हो गया, और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स नहीं लगा हुआ, एक डायरेक्ट किया हुआ, उस वजह से फ्यूज नहीं उड़ा। और दोस्तों जब मैं एक बात और गौर कीजिएगा, जब मैं इंडिकेटर दे रहा था उस वजह से इसका इस साइड वाला सही था और कस्टमर ने इस साइड का इंडिकेटर देके चला रहा था, उस वजह से इसका जो हेडलाइट बल्ब था वो ब्लिंक कर रहा था। तो इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो गया था, ठीक है। दोस्तों समझ गए होंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से था, यहीं से प्रॉब्लम था, डायरेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर का तार हमें जोड़ना है और उस साइड का सही है, एक जो कनेक्शन है इस साइड का कनेक्शन है, उस वजह से क्या हुआ था जब कस्टमर गाड़ी चला रहा था तो इस साइड का इंडिकेटर जल रहा था, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा था इसका जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो कस्टमर को उतना पता नहीं चला, ठीक है। तो इसी तरह से सेम दिक्कत था, और कस्टमर ने जब हेडलाइट दे रहा था उसी टाइम ऐसे सेम दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर को कस्टमर बंद कर देता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, तो चूहे ने काट दिया था तभी प्रॉब्लम हो गया था। चलिए क्या करते हैं, इसको इंडिकेटर के साथ तार जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये फ्लैशर वगैरह सब कुछ सही है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, इस तरीके से डायरेक्ट कभी नहीं करना, ठीक है, इसको यहाँ पर फ्यूज बॉक्स देना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ।